नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी 30 उम्र के बाद अपने चेहरे पर गोरापन और सुंदरता किस तरह से टिकाई जा सकती है। अक्सर हमने भी देखा है कि जब हम जवा होते हैं यानी 20 से 30 उम्र के होते हैं तब हमारे स्किन पर एक गोरापन होता है, ग्लो होता है, एक चमक होता है और हमारी स्किन काफ़ी सुंदर लगती है। पर जब हम 30 के हो जाते हैं तो हमारी जो स्किन है धीरे धीरे मैच्योर हो जाती है और उसी की वजह से हमारे स्किन पर एक ग्लो होता है वो कम हो जाता है, हमारी जो स्किन है वो डल दिखती है। पर दोस्तों आज मैं कुछ आसान से घरेलू उपाय बताऊंगी और इन्हें अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपकी स्किन भी बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप 30 साल के हैं या उससे भी ज़्यादा है तो ये वीडियो आपको पक्का देखना चाहिए। पर दोस्तों अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के बाजू में एक बेल आइकन बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 30 उम्र के बाद हमारी स्किन का मॉइस्चर धीरे धीरे खोने लगता है और उसे मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो हेल्दी रह सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि रात में सोने से पहले आलमंड ऑयल यानी बादाम के तेल की कुछ बूंदें लेकर अपने हाथों पर रगड़ कर अच्छे से हल्के हाथों से अपने चेहरे पर मसाज करिए। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, आपकी स्किन पर ग्लो आएगा और बादाम का ऑयल जो है आपके स्किन में बहुत अच्छे से मॉइस्चर भी ऐड करेगा और आप जब सुबह उठेंगे तो आपके स्किन पर एक बहुत ही सुंदर सा ग्लो भी रहेगा। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि 30 की उम्र के बाद हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और इसी की वजह से हमारी स्किन का जो ग्लो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए, जूस पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। इस तरह के जो खाना होता है वो आपकी स्किन को ग्लो भी देगा और आपकी सेहत को भी अच्छा रखेगा। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि टमाटर जो होता है हमारे स्किन के लिए वरदान जैसे होता है और अगर आपकी उम्र 30 है तो आपके लिए तो मानो बहुत ही चमत्कारी फल है। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है वो रुक जाती है इसी एंटीऑक्सीडेंट की वजह से। ये हमारे स्किन की रंगत को सुधारता है, हमारे स्किन पर ब्लीचिंग के इफ़ेक्ट्स भी डालता है, इसलिए टमाटर जो है आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए अगर आप चाहें तो हफ्ते में 3 से 4 बार टमाटर की पेस्ट को अपने चेहरे पर आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी स्किन पर एक अच्छा सा ग्लो आएगा, निखार आएगा और आपकी स्किन पहले से भी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 30 की उम्र के बाद अक्सर कई लोग जो है टेंशन और डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा खराब दिखने लगते हैं, इसलिए आपको टेंशन डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बितानी है, जैसे कि अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए और एकदम टेंशन फ्री रहिए। जब आप ऐसा रहना चालू करेंगे तो भी आपके स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो आप देख पाएंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि जब आपकी उम्र 30 हो जाती है उसके बाद तो आपको योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए। जब ऐसा आप हमेशा रोज़ाना करेंगे तो आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, आपका शरीर हेल्दी रहेगा और आपका जब मन हैप्पी रहेगा तो आपकी स्किन पर उसका ग्लो दिख के आएगा। इसलिए आपको रोज़ाना एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों को करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो आसान सी चीज़ें जो कि आपको 30 की उम्र पर करनी चाहिए और इसी की वजह से आपके चेहरे पर एक गोरापन और सुंदरता आ सकती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी और एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।